अलवर के एरोड्रम रोड पर वार्ड नंबर 46 के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जाम लगा दिया, जिससे आने जाने वालों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। जी हाँ, अलवर के एरोड्रम रोड के नागरिकों ने बताया कि यहाँ पर पाइपलाइन तो है लेकिन उनमें पानी नहीं है, अपनी दूर टंकी से लाना पड़ता है, जिसमें आज सुबह दो महिलाएं पानी लाते हुए बेहोश हो गईं, जिससे गुस्सा आए लोगों ने जाम लगाया। एरोड्रम रोड के पास जो घर है इनमें पानी बिल्कुल नहीं आता है, बल्कि इसी वार्ड के VIP कॉलोनी में खूब पानी देते हैं, हमें यहाँ पर दूर से पानी लाना पड़ता है। कई बार अधिकारियों को व पार्षद को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। आपका नाम रचना है? कौन सा वार्ड है? 46 है। क्या मामला, क्यों लगा रखा है? पानी की समस्या बहुत है यहाँ पर। अच्छा, बहुत दिन साल हो गए यहाँ पर पानी की समस्या कोई सुलझ नहीं रही है। पता नहीं कितने पार्षद से बोल दिया, चाहे वहाँ पे जाकर बोल रहे हैं, जल परिषद में जाकर बोल दिया, पर कुछ सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। अब हमारे को पाइप लाइन डलवा कर डलवाई, पर पानी तो आने लगा। आप कैसे काम चल रहे? कुछ भी नहीं भैया, वहाँ से पता नहीं कैसे हम यहाँ पर ढोकर कर लेके आते हैं, सबसे हाँ टंकियों पर से वहाँ से दूर दूर से यहाँ पर पानी ढोके आते हैं। एक बार उनसे कहो तो पानी ढोकर देखे। किसी से शिकायत की? पार्षद से? हाँ पार्षद से शिकायत की है, कई बार शिकायत की है। कौन है पार्षद? यह पार्षद नरेंद्र कुमार सिद्धू। अच्छा, ये कौन सा मोहल्ला है? क्या मामला है पूरा? वार्ड नंबर 46 के आज नौजवान और महिला ने जो काफ़ी 2-3 महीने से परेशान चल रहे थे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे पार्षद के घर भी जाते सब मिलकर, कभी पार्षद कह देता कि मैं आ रहा हूँ, कभी कहता है कि मैं कल आऊँगा परसों आऊँगा, इस करते करते है ना आज इन्होंने मतलब रोड बंद करने का ये अंतिम फैसला लिया है, जिसके अंदर पाइप लाइन तो है लेकिन पाइप लाइन के अंदर पानी नहीं है। पानी ढो ढो के एक एक 2-2 किलोमीटर वहाँ से पानी यहाँ लेके आते हैं, वहाँ पर टंकी लग रही है, यहाँ पर टंकी लग रही है, टंकी ठीक करवा देते लेकिन मोटर फिर ख़राब हो जाती है ना। अब वो मोटर की कमी है या किसी चीज़ की कमी है, हम पार्षद को भी बताई थी और जिस और उनको भी बताया थी, संजय शर्मा जी को भी बताया था, वो भी नहीं आया, लेकिन उसके ऊपर भी कार्यवाही चल रही है। लेकिन 2 महीने जो समस्या चल रही है ना, क्योंकि लेडीज पानी ढो ढो के लेके आती है, परेशान होती है ना। कहाँ से पानी ला रही है? पानी यहाँ से एक टंकी लगती फोर हो रही है वहाँ पे, और वहाँ से पानी लेके आती है, और जिसके अंदर आज 2-3 महिला को मतलब इशू आया, चक्कर खा के गिरी थी महिला, जिसको देखते हुए आज नौजवान और मतलब मोहल्लों ने कहा कि भाई आज ये मतलब ये जो आज रोड बंद करने का जाम का फैसला ले गया, ये मतलब पूरा मतलब लास्ट स्टेज पे जाके सोच के लिया है, मतलब ये जो लिया डिसीजन है। तो कोई अधिकारी साहब की बात मुलाकात? अधिकारियों के अंदर देखो भाई साहब, यहाँ ऑफिस वगैरह जाते हैं, चक्कर काट के सुबह जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, इसके तहत मतलब कई लोग अपने काम धंधे पे भी नहीं जा पा रहे हैं ना, काम धंधे छोड़ के बैठते हैं, क्योंकि देखो कई लोग सुबह जाते हैं, आपको पता है कि बेरोजगारी की कितनी बुरी हालत है ना, सुबह जाते हैं शाम को कमा के लेके आते हैं। कौन सा वार्ड है? ये वार्ड नंबर 46 है। हमारा तो यही समस्या है कि सिर्फ इसी लाइन के इसी मोहल्ले के अंदर पानी क्यों नहीं है।